बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह ताला की फजल करम से, और आपके लिए दुआ कर अल्लाह ताला हम सबको ठीक रखे, तमाम बीमारियों से महफूज रखे और हमें पांच वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो आज बच्चों की फरमाइश पर मैं बना रही हूँ चिप्स और नूडल्स। चिप्स बनाने के लिए मैंने थोड़े से आलू लिए हैं। सबसे पहले मैंने आलू को धो लिया था, आलू धो के फिर मैंने छिलका उतारा है। छिलका उतारने के बाद मैंने सारे आलू चिप्स के साइज़ के मैंने काट के रख दिए हैं, और चार पैकेट्स मैंने नूडल्स के लिए हैं। एक अदद लेमन इसके चिप्स के ऊपर मैंने निचोड़ दिए है, इससे आलू जो हैं वो कढ़ाई के साथ लगते नहीं हैं, ये आसानी से तल जाते हैं। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी है, थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है और अब मैं चिप्स बनाने लगी हूँ नूडल्स के लिए। तो सारी इसी तरह चिप्स जो है तल जाएगी, आलू चिप्स अच्छी तरह तैयार हो जाएगी। ये बिल्कुल ही आलू इसके साथ नहीं चिपक रहा है, इसके ऊपर नींबू निचोड़ा था और ये मज़ेदार सी चिप जो है वो बन रही है। आलू थोड़े गोल्डन हो गए हैं, ये थोड़े और गोल्डन हो जाएंगे तो फिर इनको मैं निकाल लूँगी। सही से इनको हिलाना है ताकि ये सारे एक जैसी तैयार हो जाए चिप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी चिप्स तैयार हो गई है। अब इसको मैं छाननी के साथ निकाल रही हूँ तेल से। ये बहुत ही मज़ेदार रेड रेड सी तैयार हुई है चिप्स। ये सारी चिप्स इसी तरह बन जाएगी। चिप्स सारी मैंने बना ली है, वे पतीले मैंने रख दिए चूल्हे पे और थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूँगी। ये नूडल्स का सारा मसाला मैंने पैकेटों से निकाल लिया है। सबसे पहले इसमें ये मसाला शामिल करना है। अब ये पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया तो इसमें मैं ये सारे पैकेट जो खोल के रखे हैं ये सारे इसमें शामिल कर लूँगी नूडल्स के। सारे पैकेट जो मैंने खोल के रखे थे वो मैंने पानी में शामिल कर दिए हैं। अब इनको अच्छे तरीके से हिलाना है ताकि मसाला सारा जो है सेवइयों में मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नूडल्स मेरे अब बन रहे हैं, पानी इनको उबल रहा है सही सही, और अब 5 मिनट के लिए अभी और पकाएंगे तो फिर ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे, ये सही गल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नूडल्स मेरे बन गए और अब मैं इनको निकाल रही हूँ। इनको अपने एक जाली में निकाल लेना है और इसका सारा पानी जो है वो निकल जाएगा। अब मैं इस चिप्स में सारे जो नूडल्स बनाए हैं वो सारे इसमें शामिल कर दूंगी, इनको सही अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि ये सारी चिप्स और नूडल्स मिक्स हो जाएं। ये बहुत ही मज़ेदार बच्चों की फरमाइश पे नूडल्स तैयार हो गए हैं। और मेरे सिंपल देसी फूड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, आपका बहुत शुक्रिया।